कपड़े सबसे ज्यादा ये यूं मिक्स क्या ना करे बे। और ये देखो कितनी अच्छी तरह से सूख रहे हैं मेरे कपड़े, अपनी मंगल यात्रा पे जा सके और एंजॉय कर सके अपने दोस्तों के साथ। पहाड़ों के एक नए दिन में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने एक नए ब्लॉग और अपने चैनल में। तो आज सैटरडे है और कल संडे है, तो कल का हम सभी ने सब लोगों ने डिसाइड करा है कि हम कहीं कल घूमने जाएं, तो इसके लिए हमारी प्लानिंग चल रही थी काफ़ी दिनों से। तो आज हमें कन्फर्म करके डिसाइड करना है कि हमें घूमने जाना होगा या नहीं। तो हम जहाँ घूमने जा रहे हैं वो है सेम नागराजा, सेम मुखेम, उत्तराखंड का पाँचवा धाम कहा जाता है उसे, और वहाँ के लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं। तो काफ़ी लोगों से हमने इसके लिए बात करी है, आदित्य, परवेश, इसी का दूसरी इसी का। तो अभी हम लास्ट डन करने जा रहे हैं कि जाना है कि नहीं जाना है। तो अगर हम जाएंगे तो इसके बाद वाला ब्लॉग मेरा वहीं का आएगा, तो आप ब्लॉग में लास्ट तक बने रहे। अभी मैं इसी का के घर में जा रहा हूँ, इसी का से बात करने की वो चलती है या नहीं। मिट्टू सो रहा है कल के बारे में कि कल जाएंगे कि नहीं, और इसी का भी आ गई है और ये भी दिवाली हाय। ये कब से दिखाई दे रही है मेरे ब्लॉग में और आजकल मैं बिजी रहती हूँ ना इसलिए। क्यों क्या कर रही है आजकल तुम, क्या बने ना डिस्कस भी नहीं करना। इसका परवेश है जिंदा इन बोली की या बल न्यू ना इन बोलो साइल बहुत जब तू जाएगा जबरदस्त किसी के साथ नहीं है। कभी तो तुम ऐसे बोल रहे कि तुम्हारे वहाँ खुद क्या रहे है, बल्कि क्या है हम जा। तो इन दोनों को देखो, मतलब अभी प्लान नहीं हुआ है कि जाना है या नहीं, और वो अपनी ड्रेस चेक करने लग गए कि हम क्या ले जाएं, हम क्या ले जाएं। बिल्कुल काली जाए लग रही, और ये साई ले जा रहा है बल्कि कोट पैंट। और यहाँ पे चाउमीन पचाने के लिए थोड़ा काम किया जा रहा है और हम भी इसकी मदद कर रहे हैं इन्हें ले जाने में, और इसे कहते हैं हमारी भाषा में वान, झटका है ये। इस पे हम बेल लगाएंगे दाल वगैरह की। चलो तो अभी मौसम तो बहुत ही बारिश वाला हो गया है, पीछे कोहरा कोहरा लगा है, और हम आशा करते हैं कि कल तक मौसम साफ भी हो जाए ताकि हम अपनी मंगल यात्रा पे जा सके और एंजॉय कर सके अपने दोस्तों के साथ। तो कल का कल देखते हैं, फिलहाल आज के ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। और अभी हम वहाँ लेके इसका के घर में आए हैं चाय पीने के लिए, क्योंकि वो हमें चाय पिलाएगी, और मैंने उससे चाउमीन की पार्टी कराई थी तो उसके बदले वो मुझे चाय पिलाएगी। एंड हम पहुँच चुके हैं इनके घर पे। तो बारिश अभी रुकी हुई है और सुबह मैं नहाया था तो मेरे कपड़े हैं दो चार दिनों के धुलने के लिए, तो अभी मैं जल्दी जल्दी उन्हें धुल लेता हूँ क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं है कब बारिश कब धूप, तो जल्दी जल्दी से मैं उन्हें धुल देता हूँ पहले। मैंने अपने सारे कपड़े धुल दिए हैं और बारिश भी स्टार्ट हो गई है फिर से, अभी तक रुकी हुई थी और फिर से स्टार्ट हो गई है। तो और ये देखो कितनी अच्छी तरह से सूख रहे हैं मेरे कपड़े, और हमारी टीम के दो मेंबर आते हुए ठीक है, और इसनू भी यहाँ पे स्वागत के लिए। Thank you.
वो अभी शाम का टाइम हो रखा है और हम सरकारी सस्ते गले की दुकान पे आ रखे थे राशन लेने, मैं आदित्य इस्सा और भाभी। भाभी जी प्रणाम। तो अभी हम घर जा रहे हैं, भाई को तो आप जानते हैं हर जगह काम करने के लिए पहुंच जाता है सबसे पहले। नादान नादान बच्चियां कल के लिए एक्साइटेड होती हुई। तो जो हमने प्लान करा था सेम मुखिम जाने का, वो फाइनली जाने का डिसाइड हुआ है और अभी रात हो गई और जितने लोग भी जा रहे हैं सभी लोग हमारे घर पे आ गए हैं। आदित्य, इस्सा और सोनम और जो इसी का है दूसरी वाली और साहिल, वो नहीं चल रहे हमारे साथ क्योंकि उसके पापा ने उन्हें परमिशन नहीं दी है जाने की। लेकिन हम उनके लिए भी सेम मुखिम से आशीर्वाद लाएंगे, ब्लीजिंग लाएंगे भगवान कृष्ण की, भगवान नागराजा की। और लेकिन हम लोग कल सुबह जा रहे हैं तो सभी लोग उसके लिए अपनी अपनी तैयारी, सब लोग एक्साइटेड है और बड़ी वाली इसी का भी हमारे साथ चल रही है। हम टोटल 8 लोग हैं। तो कल सुबह हम आपको एक नए ब्लॉग के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए ये शॉर्ट टर्म में था, हम नोटिफिकेशन दी मैंने आपको कि हम कहीं घूमने जा रहे हैं, नोटिफिकेशन बोले तो एक छोटा सा आइडिया हो जाता है ऐसे में। तो हम सेम मुखिम जा रहे हैं, कल मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग के साथ सेम मुखिम के मंदिर में कल। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और सेम मुखिम वाली वीडियो को अपना प्यार जरूर देना। तो मिलते हैं कल आपसे एक नए लोकेशन के साथ, नई बातों के साथ। तो आज का ब्लॉग खत्म करते हैं, होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। तो मिलते हैं कल।